हनुमतगंज पुलिस व स्वाट टीम को मिली एक बड़ी कामयाबी। 19 पेटियों में 855 क्वार्टर अवैध मिलावटी शराब, 70 लीटर एथाइल एल्कोहल व मिलावटी शराब बनाने की सामग्री के साथ 3 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक एमईटी डॉक्टर ख्याति गर्ग ने आज बताया कि जिले में अवैध शराब बनाने व क्रय विक्रय के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत फुर्सतगंज पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पत्रकार से वार्ता करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि संदीप कुमार राय थाना अध्यक्ष फुर्सतगंज आज दिनांक 14 सितंबर को समय 6:45 पर मुखबिर की सूचना पर दिघिया बॉर्डर पर एक स्विफ्ट डिजायर कार में 2 अभियुक्त वीरेंद्र कुमार और विनेन कुमार यादव को 19 पेटियों में 855 क्वार्टर अवैध मिलावटी शराब व 70 लीटर एथाइल एल्कोहल व मिलावटी शराब बनाने की सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि उक्त अभियुक्तों की निशानदेही पर रामपुर जलालपुर में एक मकान में एथाइल एल्कोहल से अवैध और मिश्रित शराब बनाते हुए एक व्यक्ति राजेश कुमार कोरी को भी गिरफ्तार किया गया तथा एक व्यक्ति दिवाकर तिवारी फरार हो गया। मौके से अवैध व मिश्रित शराब बनाने की सामग्री एथाइल एल्कोहल रैपर खाली शीशी व ढक्कन आदि बरामद हुए। हमारे द्वारा जो ये अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में बैरियर चेकिंग होती है और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग होती है, तो उसी में मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई थाना फुर्सतगंज की पुलिस को। और सूचना प्राप्त होने पर जब वो मौके पर गए तो दिघिया बॉर्डर के पास उनको 2 लोग मिले, वीरेंद्र और विनोद, एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में, और वो अपने साथ कुछ अवैध शराब और मिलावट वाली शराब की पेटियाँ और फर्जी लेबल जो है वो लेकर जा रहे थे।